नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, मजा मा? आप लोग तो मजे में हो गए, फटा तो तुम्हारा भाई क्या है? बिकॉज यूट्यूब का एनालिटिक मुझे क्या दिखा रहा है देख सकते हो। कितने सारे बंदे हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हो पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। पीछे में सिल्वर बटन दिख रहा होगा, उसी के बगल में गोल्डन बटन लाला भी है ना, तो जल्दी से या नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो। तो आज दोस्तों जो मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, वो वीडियो दोस्तों हाल ही में जिसका ब्रेकअप हुआ है ना, उसके लिए काफी ज्यादा रामबाण होने वाली है। तो फिलहाल अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जिस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बंदा गाइस यहाँ पे अपना प्यार, अपना जिससे वो नफरत करता है, उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे बना रहा है, देन माचिस से जला रहा है। और स्काई में आपको देख सकते हो किस तरह के भयानक तरह थंडरिंग हो रहा है और आपको बर्ड फ्लाई होता हुआ वीडियो दिख रहा है। तो गाइस आप भी अगर इस प्रकार का वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आज के इस वाले वीडियो में जस्ट थोड़ा सा आपको ध्यान देकर देखना होगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मैं अपना टी शर्ट को खोल लेता हूँ, उसके बाद ही गाइस मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इस तरह का वीडियो को बनाना है। तो यार इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए आपको इस तरह के एक वाटर बोतल का जरूरत पड़ेगा। आप इसके अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आप कुछ भी आप डाल सकते हो। मैं गाइस इस पर डाल के रखा हूँ पानी, ठीक है, पानी भरा हूँ मैं, कोई यहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ का यूज़ नहीं करूँगा। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि इसका जो ढक्कन है ना, इस पर मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक होल बना के रखा है, देख सकते हैं इस तरह का होल बना के मैंने यहाँ पर रखा है। तो गाइस आपको अभी ये जो ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर आपको यहाँ पर एक होल बना लेना होगा। बनाने के बाद दोस्तों अभी आपको मैं चलिए लाइव अखाड़े पर लेके चलता हूँ और कैसे गाइस आपको वीडियो शूट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथियों इस तरह के वीडियो को आपको शूट करने के लिए आपको किसी खुली जगह पे आपको यहाँ पे चले जाना होगा। मैं गाइस मेरे घर का जो छत है यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और आप यहाँ पे अगर देखो तो मेरा जो ट्राइपॉड है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले गाइस आपको, यार मैं जब भी वीडियो बनाने के लिए आता हूँ ये मुर्गा डिस्टर्ब करने के लिए पहुँच जाता है, ठीक है। तो गाइस आपको अपना फ़ोन को कुछ इस तरह से अपना इस जगह पर स्टेबल होकर आप यहाँ पर रख लीजिएगा। रखने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले पानी बोतल या फिर केरोसिन बोतल या फिर डीजल बोतल या फिर पेट्रोल बोतल को जिससे आप नफरत करते हो उसका नाम को फर्स्ट लेटर को आपको यहाँ पर लिखना होगा। मैं यहाँ पर जिस प्रकार से साथी हूँ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम आप यहाँ पर कीजिएगा। इस तरह से आपको अपना वीडियो यहाँ पर शूट कर लेना होगा। नेक्स्ट दोस्तों जो एडिटिंग का काम है मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेके आपको चलूंगा, उसके बाद ही दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो साथियों आज के इस वाले वीडियो को मैं एडिट करने के लिए VN वीडियो एडिटर ऐप का यूज करूंगा। जैसा कि गाइस आप यहां पे देख सकते हो मेरा जो VN वीडियो एडिटर ऐप है मैंने ओपन किया है। अब आपको इस वाले प्लस के मार्क पे क्लिक करना होगा। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाके जैसा गाइस मैंने आपको वीडियो शूट करके दिखाया है, आप जो अपना वीडियो शूट किए हैं उस वाले वीडियो को सेट करके आप यहाँ पे टाइमलाइन पर ले आइएगा। सबसे पहला काम आपको अपने वीडियो का जो वॉल्यूम है यहाँ पे वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे जाके जीरो कीजिएगा। मैंने गाइस यहाँ पे पहले भी इस वाले वीडियो को एडिट किया है जिस पर मैंने वीडियो को जीरो कर दिया था, सो गाइस मेरा यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपको दोस्तों पहले वीडियो को जीरो करना होगा। जीरो करने के बाद दोस्तों वीडियो को आप यहाँ पर प्ले कीजिएगा, देन आपको अपने वीडियो में यहाँ पर कट लगानी है। तो मैं अपना जो फर्स्ट कलर कट है यहाँ पर लगाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना लेटर यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो पानी से मैं यहाँ पर यहाँ से जैसे ही खींचा यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कट लगाया। उसके बाद इस साइड में जहाँ पर कंप्लीट हो रहा है इस जगह पर मैं यहाँ पर आके वापस से कट लगा के ये जो बीच वाला पार्ट है इसको मैं डिलीट यहाँ पर कर दूंगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो को प्ले करता हूँ, देन इस जगह से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो माचिस में यहाँ पर खोल रहा हूँ, उसके बाद माचिस का तिल्ली निकालूंगा, उसके बाद माचिस जलाऊंगा। तो उतना पार्ट मुझे यहाँ पर नहीं रखना है, जहाँ से मेरा माचिस जला देख सकते हैं इस जगह से मैं जला रहा हूँ, इस जगह पर मैं यहाँ पर कट कर दूंगा। और जहाँ से मेरा यहाँ पे माचिस को मैंने पकड़ा उतना ये बोतल मैंने यहाँ पर रखा, उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है गाइस इसको मैं यहाँ पे इतना रख के इस वाला पार्ट को मैं यहाँ पे ट्रिम करके यहाँ पर हटा लूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह दो मैंने यहाँ पर कट लगा लिया है। अब इस जगह पर गाइस मेरा यहाँ पर देख माचिस जला के मैंने यहाँ पर टच किया, जहाँ से मैंने टच किया इसी जगह पर दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना होगा। अब आप अगर पेट्रोल या केरोसिन या फिर डीजल का यूज़ किए होंगे तो आपका यहाँ पर लेटर जल जाएगा। और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं यूज किया था, ठीक है, मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ किया था। सो गाइस यहाँ पर जलने वाला तो इफेक्ट मुझे डालना है यहाँ पर। सो गाइस मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ पर दोस्तों आपको जो फायर वाला वीडियो है इसको सेट करना है। सबसे पहले गाइस आप यहाँ पर नीचे में अगर देखोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देख सकते हो काइन मास्टर लिखा हुआ, इसी को गाइस आपको यहाँ पर हटाना होगा। आजकल यार काइन मास्टर से क्या वीडियो बना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब सोचिए आप इसका रेट कितना ज़्यादा हाई कर दिया यार, कौन इसको खरीदेगा और कौन इसको ये करेगा, और फ्री में यार मोड वर्जन तो कहीं चलता भी नहीं है।
सो गाइस कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए मैं कंटिन्यू VN पर ही वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काइन मास्टर का जो लोगो है उसको हटा लिया है। अब आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना होगा। ओके प्रेस कर लेने के बाद आपको जो ब्लैक स्किन है इसको आपको यहाँ से रिमूव करना है। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर गाइस स्क्रीन वाला ऑप्शन सेट कर दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना है। इतना कर लेने के बाद साथियों अभी आप इसको छोटा कीजिएगा, देन आपको अपना जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का जो लेटर है उसके हिसाब से आप यहाँ पर रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर एल बनाया था तो इसको मैं यहाँ पर नीचे तरफ में यहाँ पर रख दूँगा। रखने के बाद दोस्तों इसका मैं यहाँ पर एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के बाद एल का जो ऊपर वाला डंडी है इसको मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से पहले इसको इस तरह से करूँगा, इसको छोटा करके इस जगह से मैं इसको एडजस्ट करूँगा। आप दोस्तों अपने लेटर के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो जैसा गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर मैं अपने वीडियो को प्ले करूँ तो उतना मज़ा नहीं आ रहा, तुरंत जल रहा है, जल जा रहा है, उतना मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा लाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हो ये वाला इस साइड वाला पार्ट है, तो मोशन वाले ऑप्शन पर जाऊँगा। यहाँ पर दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जो उस साइड देख सकते यहाँ से ये वाला फायर आ रहा है इस साइड से, तो ये वाला अच्छा लगेगा। देन मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूँगा। अब नीचे वाला जो है गाइस इस साइड से इस साइड की ओर जाएगा तो वो वाला अच्छा लगेगा। तो वापस से मैं इसी वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ पर ये वाला ठीक है। अब दोस्तों देखोगे तो मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से गाइस देख सकते हो मेरे यहाँ पर फायर वाला इफेक्ट दिखेगा आपका, तो ये मस्त से जल जाएगा। तो मेरा यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से मैंने यहाँ पर एडिटिंग के माध्यम से यहाँ पर जलाया है। अब दोस्तों जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन आप रखना चाहते हो उतना रख के फाइल पर क्लिक करके बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहाँ पर ट्रिम करके हटा लीजिएगा। अब दोस्तों जो यहाँ पर प्लस प्लस आप बनाए हो यहाँ पर गाइस एक ब्लैक इफेक्ट डालना है। उसके लिए दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप ब्लैक वाले ऑप्शन पर जाइएगा, देन कुछ इस तरह से इसको आपको यहाँ पे 50 सेकंड क्लिक कीजिएगा ठीक है। देन आपको यहाँ पे ओके प्रेस यहाँ पे अप्लाई टू ऑल आप यहाँ पर कर लीजिएगा। इस तरह से आपका जो स्टेप वन का काम यहाँ पे हो चुका है। अब आप बोलोगे भाई कहाँ काम हुआ, आपने तो इसका यहाँ पे रिप्लेस किया ही नहीं। तो यार मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे बंदों के फ़ोन में कम रैम है तो वहाँ पर उनका फ़ोन अच्छे से यार काम नहीं करेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर शेयर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर जितना आपका रेजोल्यूशन सपोर्ट लेता है उतना रख के गाइस आपको यहाँ पर ओके प्रेस कर लेना होगा। इस तरह से आपको अपना वीडियो को एक बार सेव करना होगा। जैसा कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड आया, मतलब मेरा वीडियो यहाँ पे सेव हो गया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो ऐड है इसको मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। कट कर लेने के बाद गाइस यहाँ से मैं सीधा बाहर चला जाऊँगा, जाकर गाइस इस वाले प्लस के मार्क पर क्लिक करूँगा। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाके जो गाइस आपने वीडियो बनाया वो फर्स्ट में ही दिखेगा, उस वाले वीडियो को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके टाइम लाइन पर ले आइएगा। जैसा गाइस आप यहां पे देख सकते हो मेरा जो वीडियो उसको मैंने सिलेक्ट किया है। अब आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पे जाके। अब गाइस आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको इस वाले वीडियो का लिंक मिलेगा। अब दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन से इस वाले वीडियो को डाउनलोड करके सिलेक्ट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस तरह से गाइस इसको फुल स्क्रीन में आपको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट कर लेने के बाद अभी आप यहाँ पर मार्क्स वाले ऑप्शन पर जाइएगा, लाइनर वाले ऑप्शन में जाके वापस से इस पर क्लिक कीजिएगा। देन आपका जहाँ पर स्काई होगा उस जगह पे गाइस इसको कुछ इस टाइप से खींच देना होगा। मुझे पता है मेरा रियलिस्टिक उतना नहीं लग रहा है, बिकॉज ये जो पेड़ पौधे था ना ये मेरा इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है। आपका अगर खाली स्काई रहेगा तो गाइस वीडियो बढ़िया लगेगा। अब दोस्तों मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे कितना बढ़िया से बटरफ्लाई हो रहा है, कितना बढ़िया यहाँ पे मेरा मस्त भी लग रहा है। बाकी साथियों वीडियो में अगर मैं यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करता हूँ यानी फिल्टर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर मैं A1 को सेट करता हूँ तो यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर दूँगा, तो देख सकते हो यहाँ पर कितना बढ़िया से यहाँ पर कलर ग्रेडिंग भी हुआ है। आपका यहाँ पर A1 नहीं आएगा ठीक है, आपको अगर A1 यहाँ पर लाना है तो ऊपर आई बटन पर मैंने एक वीडियो का लिंक देके रखा है, जिस वीडियो का दोस्तों देख के आप जान सकते हो कैसे आपको ये वन वाला जो इफेक्ट है आपको अपने VN ऐप के अंदर ऐड करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर कितना बढ़िया अभी लग रहा है। बाकी साथियों वीडियो को सेव करने के लिए शेयर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर अभी 1080 रखूँगा क्योंकि रील्स पर यहाँ पर 1080 सपोर्ट करता है। सो मैं 1080 रख के FPS को 60 में रख के और बिटरेट को हाई में रख के अपना वीडियो गाइस यहाँ पर सेव मैं कर लूँगा।